नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। G7 समिट में वर्चुअली शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी, दुनिया को दिया वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश। स्वास्थ्य विभाग ने जताई चिंता, दूसरी लहर में बच्चों का नियमित टीकाकरण न होना चिंताजनक, कई बीमारियों का हो सकता है खतरा। केदारनाथ मंदिर के बाहर तीर्थ पुजारियों का प्रदर्शन, पुजारियों ने की देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग, पिछले महीने मंदिर में प्रवेश को लेकर हुआ था विवाद। देश में अब 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, एम्स में होगी स्क्रीनिंग। बिहार में मिला ब्लैक फंगस का अनोखा मामला, मस्तिष्क से निकाला गया क्रिकेट बॉल से भी बड़ा फंगस। मेडिकल सिस्टम का बुनियादी ढांचा मजबूत करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी रिपोर्ट। धोखाधड़ी कर लग्जरी कार बेचने वाला बाराबंकी में गिरफ्तार, किराए का करार कर ऐसे करता था जालसाजी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा, सपा टूट रही भाजपा बिखर रही, प्रियंका के नेतृत्व में मिलेगा जनादेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। बसपा प्रमुख मायावती यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा, कहा बिकाऊ नेताओं से रहे सावधान। पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट मिलने के बाद देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर आने की आशंका। पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद इस्लामाबाद में प्रदर्शन। सीरिया के अस्पताल में अचानक हुआ मिसाइल हमला, 13 लोगों की हुई मौत। अफगानिस्तान में 24 घंटे के दौरान 111 आतंकी ढेर, पश्चिमी काबुल में धमाके के साथ लोगों की हुई मौत। चीन की नई पैतरेबाजी, चमगादड़ से कोरोना मिलने का किया दावा, दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में दिखाया धमाकेदार फॉर्म, प्रैक्टिस मैच में जमाया शानदार शतक। पाकिस्तान सुपर लीग में ये दो दिग्गज खिलाड़ी हुए चोटिल, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा मैदान से बाहर। सोमवार से 14 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगी श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम। मैच में बदतमीजी करने के बाद शाकिब अल हसन पर लगा 3 मैच का बैन, देना होगा 5 लाख का जुर्माना। स्टुअर्ट ब्रांड ने टेस्ट क्रिकेट में शून्य पर आउट होने के मामले में बना डाला रिकॉर्ड, क्रिस मार्टिन को पीछे छोड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी और मौत की गुत्थी पर राज खोलती फिल्म न्याय द जस्टिस का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में सिंघम अजय देवगन बने मसीहा, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लगवा रहे वैक्सीन। मसीहा सोनू सूद की नई पहल, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को देंगे फ्री कोचिंग। खतरों के खिलाड़ी 11 दर्शकों को थ्रिल करने के लिए तैयार, रिलीज हुआ कार्यक्रम का प्रोमो वीडियो।
सोनचिड़िया का किस्सा याद कर इमोशनल हुए मनोज बाजपेयी, बोले यकीन नहीं होता सुशांत अब हमारे बीच नहीं रहा। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में, फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।